हा, दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा। तो ये बड़ी प्यारी सी जगह पर हम आए हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। ये वाली जगह जो है ना, यहाँ से ऊपर यहाँ पे रहता है मैक्सिमम वो, तो कभी कोई ऐसा ही ना उठ के निकल के आए कि ते थप्पड़ मेरे मुंह पे बज जाए। भाई ये देखो यहाँ का रास्ता, ये दिख रहा है आपको, और यहाँ से देखो खाई जो कि आपको दिख रही नहीं। 17 घर हैं ये टोटल मिला के, बाकी इतनी सारी भेड़ बकरी अगर अपनी हो ना तो बंदा रातों रात लाला बन जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, लास्ट का व्लॉग जो आया था हमारा, वो था हम पैदल इराक कैसे गए, और उसके बाद अब हम घर आए हैं। तो अब घर कैसे आए इराक से, बीच में रास्ते में हमने अमेजोन जंगल क्रॉस किया वो भी दिखाया, तो बहुत ही इंटरेस्टेड व्लॉग बनाया। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। साथ ही साथ भाई, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ने में मदद करो। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी रुकावट के। भाई अभी धुंध है यार, कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं पर धुंध बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं दिख रहा है धुंध में। आप इधर जा भी नहीं सकते, पता नहीं लोग किस तरह के होंगे आगे, कहीं मेरी पिटाई ना उल्टी शुरू कर दें। कभी कोई ऐसा ही ना उठ के निकल के आए कि ते थप्पड़ मेरे मुंह पे बज जाए, इससे बेहतर है मैं यहाँ से निकलूँ घर की तरफ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और भी मिल जाए। बाकी ये वाली जगह ना मेरे को बहुत पसंद आई यार, भाई ये वाली जगह ना मेरे को बहुत पसंद आई क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी घने सारे घर बनाए हुए इन लोगों ने, और अंदर हालत क्या थी वो तो देखने वाली थी। मतलब एक साइड पे इन्होंने चूल्हा बनाया होता है, लकड़ी जलाने का ज़्यादा सिस्टम यहाँ पे रहता है, गैस वगैरह यहाँ होती नहीं, सिलेंडर वगैरह। तो एक साइड पे इन्होंने मतलब एक मान लो एक सिंगल सा हॉल बनाया होता है, सिंगल से हॉल में एक पार्टीशन बनाई होती है, ऐसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पार्टीशन नहीं है या फिर कोई ऐसी सजागे नहीं है, बीच में से ना लकड़ियाँ 2-3 खड़ी की होती हैं। एक साइड पे इन्होंने चूल्हा बनाया होता है और एक साइड पे इनकी गाय भैंस वगैरह रहती है। ये देखो यार भाई क्या मज़ा आ रहा है, भाई भी इनके साथ हैं। अभी यहाँ पे जो चचा है ना, ये भेड़ बकरियों वाले, वो भी साथ में बैठे हुए थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बना रहा है आज वीडियो, सोच रहे होंगे। ये देखो भाई, से हमने आज रियल में ये सब चीज़ें देखना शुरू कर दी। भाई ना बकरियों को बुला रहा है, भेड़ों को बुला रहा है मैं कर करके। ये देखो आह गज़ब, मज़ा ही आ गया। इतनी सारी भेड़ बकरी अगर अपनी हो ना तो बंदा रातों रात लाला बन जाएगा। एक भेड़ की कीमत कम से कम 10,000 लगा लो, और ना करते करते भी 50 से प्लस की होंगी, 100 से प्लस होंगी ये। तो फाइनली गाइस, धुंध हट गई है अपना, हम नीचे घर वाली साइड वापस जा रहे हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पे आज हम आए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से थोड़ा व्यू। वो भाई क्या गज़ब यहाँ से दिख रहा है, मतलब इलाका भाई सामने सामने चल रहे हैं। और ये देखो आहा हा हा, दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा। ये देखो ये लोग भी अपनी भैंसें वगैरह लेकर डोक में जा रहे हैं क्योंकि मज़ा ही कुछ अलग है भाई। ये देखो यहाँ पे नीचे कितना प्लेन सा इलाका है, थोड़ा आगे निकलते हैं ज़रा। ओह 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 भाई ये देखो लोग किस तरह, कितनी भारी तादाद में, मतलब लोग ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पे, देख रहे हो। ये लोग अपने डेरे वगैरह जो है ना, सामान शामान जो है घोड़ों पे लदा हुआ है इन्होंने, और चल रहे हैं यहाँ पे। देखो प्लेन सी जगह है, काफ़ी मज़ेदार जगह है, वहाँ आगे भी घोड़े हैं। और वो पार वाली साइड जो धुंध वाला इलाका है, इसके परली साइड कश्मीर है, और लोग इसी साइड में भी जाते हैं मैक्सिमम। बाकी यहाँ से देख रहे हो आप, ये लोग आ रहे हो, और मैंने वो नीचे दिख रहा है आपको गाँव, ये सबसे टॉप वाला गाँव है, इसके नीचे हमने जाना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप पीछे जो है लोग काफ़ी सारे हैं, ये ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं। तो ये वाला जितना भी एरिया दिख रहा है ना भाई, ऊपर दिखाओ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वो पार जो दिख रहा है आपको, एक छोटा सा घर हाइट पे, इधर से लेकर इस साइड में ऊपर तक जितना भी ये आपको दिख रहा है, यहाँ प्लेन से लेकर, और इससे ट्रिपल टाइम, मतलब मान लो इतनी जगह यहाँ पर ये हमारी है पर हम यहाँ आते नहीं हैं, मतलब हमारी हम किसी को भेज देते हैं। तो ये वाली जगह जो है हमारी, अब बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन हम मसला ये है कि अब नीचे गांव से ना मतलब राशन पानी वगैरह लाना पड़ता है, फिर सामान लाना पड़ता है, काफ़ी मुसीबत होती है। तो हम लोग, हमारे पास इतनी कोई भैंसें शैंसें भी नहीं होती हैं, एक दो गाय होती हैं, एक दो बैल होते हैं, बस जो ज़रूरी होते हैं बस, ज़्यादा नहीं।
तो यहाँ पे मालदार लोगों का काम होता है। फिलहाल हमने ये जगह लोगों को दी होती है, मतलब वही आते हैं, वही रहते हैं, वही ख्याल रखते हैं यहाँ का। तो अभी ये मालदार लोग हैं, इनके पास ना करते करते भी 25 से 30 जानवर होंगे सारे, तो 15-20 ये खुद भी होंगे। तो इसीलिए ये पहाड़ों की हवा लेने जा रहे हैं। इनके तो मज़े हैं, इनकी तो ज़िंदगी है। बाकी हमें भी आज मज़ा ही आया, क्योंकि हम सुबह 5-6 बजे के निकले हुए हैं घर से और अभी 2 बजने को आ रहे हैं। अभी हम हाइट पे ही हैं तो टाइम तो लगेगा घर पहुंचने में, पर आज का मज़ा कभी नहीं भूलेगा हमें, क्योंकि ठंड भी बहुत लगी, बारिश भी बहुत हुई, मज़ा भी बहुत आया और इन्जॉय भी बहुत किया हम लोगों ने। तो अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल घर की तरफ, देखते हैं कितना टाइम और लगता है घर पहुंचने में। तो थोड़ी थोड़ी भूख और लग रही है, अब अगर कोई और मिल जाता है किसी और के घर घुस जाएंगे और कुछ खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो भाई लोग अभी हम पहुंचे कुछ इस तरह की लोकेशन पर जहां पे बड़ा ही घना जंगल है, और भाई कह रहा है कि यहां पर ना आजकल रीछ मतलब भालू बेर वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में चल रहा है यहां से। पिछले दिनों में बकरियाँ शकरियाँ भी मारी थी मतलब भालू ने। तो अभी ना यहाँ उसकी केव वगैरह होती है जिनमें मतलब वो रहता है। मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाली जगह जो है ना, यहाँ से ऊपर यहाँ पे रहता है मैक्सिमम वो। तो अभी दिन है, क्या पता इस वक्त कहाँ होगा, यहाँ हमें नहीं मिलेगा। तो बाकी ये जगह बड़ी ही घनी सी बड़ा घना सा जंगल है, और वो पार वाली जगह है ना एकदम टॉप क्लास है यार। हम यहाँ से आए ऊपर घने जंगल से उतर के, मतलब यहाँ पे बस्ती आपको ना दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। तो यहाँ से नीचे बड़ी प्लेन सी जगह है, मज़ेदार सी जगह है। ये देखो जंगल के बीचों बीच इतनी प्यारी प्यारी जगहें आ रही है ना, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। ये जगह जो है ना बड़ी मस्त है, सुपर है। तो ये बड़ी प्यारी सी जगह पर हम आए हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि रिस्क भी नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। तो इतने तकड़े तो ताकतवर तो है नहीं हम कि भालू का मुकाबला कर सकें। तो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं फटाफट से, क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं है, और मैं और भाई हम दोनों हैं अभी पहलवान। तो फाइनली कम से कम 2 घंटे के इस जंगल के सफ़र के बाद ना थोड़ी थोड़ी आशाओं की किरणें दिखने लगी हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना हमें थोड़े थोड़े जानवर मतलब गाय वगैरह भी दिखने लगी है, और सामने वाला इलाका खाली दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बस्ती है। वो आपको दिखा देता हूँ, 1-2 घर भी छोटे छोटे दिख रहे हैं जो कि पहाड़ों वाले होते हैं। और बाकी अभी तो हम जंगल में ही हैं फ़िलहाल। वो देख रहे हो पार, वो लग रहा है वहाँ पे बस्ती है, क्योंकि वहाँ पे ना पन्नी लगाई हुई है उन लोगों ने। और यहाँ पे छोटे छोटे बछड़े भी मिल गए हमें। भाई मेरे से आगे निकल गए थोड़ा, और मैं अभी पीछे पीछे चल रहा हूँ। और बाकी घना जंगल और बहुत ही ऊंचाई मतलब हाइट वाली जगह, बड़े बड़े पहाड़ से हैं, क्योंकि बंदा एक बार गिर गया ना तो दिखने वाला नहीं है। जंगल तो आपको दिखा ही दिया मैंने वैसे भी, बाकी पहाड़ी देखो यार। अभी थोड़ा सा सामने निकलूंगा ना, वहाँ से दिखा देता हूँ आपको कि खाई कितनी ज़्यादा यहाँ पे। देखो ये जगह भी बड़ी प्यारी सी लग रही है मेरे को, क्योंकि जंगल के बीचों बीच कुछ जगहें बड़ी प्यारी सी आ रही हैं। ये देखो भाई गहराई देखो यहाँ से, कोई पता नहीं नीचे तो दिख नहीं रहा, वो धुंध दिख रही है, उस धुंध में इसकी नीचे जो है डेप्थ है। बाकी ये सामने नीचे प्यारी सी जगह, प्लेन सी जगह है, और मेरा गांव रहा वो सबसे नीचे। अभी मैं गांव पहुंचने वाला हूं। कुछ 17 घर हैं ये टोटल मिला के, बाकी इनकी वाली जगह जो है ना मतलब ठीक है, जंगल में नहीं है, जंगल ऊपर ऊपर है। और ये वाली साइड जो है ये जंगल है पूरा, पूरे जंगल को क्रॉस करके आए हैं। बाकी यहाँ पे चक्कर ये था ना, मतलब पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी थी भाई, डर लग रहा था वहाँ से आने में। भाई ये देखो यहाँ का रास्ता, ये दिख रहा है आपको, और यहाँ से देखो खाई जो कि आपको दिख रही है नीचे, काफ़ी गहरी है। और इस साइड से भी आप देख रहे हैं भाई कहाँ से जा रहा है, रास्ता बिल्कुल नहीं है। चलो हम लोगों की आदत है, हम ना चलते रहते हैं यहाँ से, लेकिन अगर हमारे साथ कोई शहरी बाबू फंस गया तो उसका जीना मरना रास्ते में ही है। ये रास्ता है यहाँ का, देख लो आप, बाकी नीचे गहराई देखो। और भाई देखो कितना मतलब मस्त होके चल रहे हैं,